Let's preserve water. पर वैसे तो आज जंगल शांत लग रहा है, पर लगता है जैसे कोई कुछ करेगा जरूर। पता नहीं वो सही हो या गलत, क्योंकि क्या सही है और क्या गलत इसके बारे में सबकी राय अलग अलग हो सकती है। हाँ, मेरा कॉस्ट्यूम बहुत अच्छी तरह से साफ हो गया है। नियॉन से प्रोग्राम शुरू हो गया। आओ, अरे छूट न जाए। पहले नंबर पर है बहादुर नकाबोस निएंडर, उनके जैसा बहादुर और कोई नहीं। मैं आज भी नंबर वन नहीं बन पाया, मुझे इतना दुख है कि मैं बता नहीं सकता। आपका ये दुख मैं समझ सकती हूँ सर। लगता है आपने बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया है। मैं इतना दुखी हो गया था कि मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। पर फिक्र मत करो, यहाँ पानी की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, फाइन भरना पड़ सकता है। आओ, इस तरह गला क्यों फाड़ रही हो कौन? आओ, ये क्या? आओ, ये क्या हो गया? आओ देखते हैं। मुझे तो लगता है कि ये रंग कॉस्ट्यूम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाह 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 वाह। लगता है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। देखिए तो नदी का पानी भी सतरंगा हो गया। मुझे अच्छी तरह मालूम है, ये जरूर उस बदमाश का ही काम है। आओ जल्दी बताओ मुझे, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हाँ, ये जो कुछ भी हालत दिखाई दे रही है उसके पीछे उस बदमाश की ही मांतों का हाथ है। मैंने उसे रोकना चाहा पर नहीं रोक पाया। हाँ तो ये बात है, मैं इस समय उठने लायक नहीं हूँ, इसलिए कोई जाकर मेरे दुश्मन से बदला ले लो। इस जख्मी पेड़ की इच्छा पूरी कर दो, कोई पकड़ लो। अगर कोई मेरा ये काम कर देगा तो मुझे चैन मिल जाएगा। हम इस जंगल की देखभाल करते हैं, हमारे होते हुए किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इस जंगल को नुकसान पहुंचा सके। सारा केची चलो। चलिए गिंको मैडम। हाँ सोहन, जल्दी मेरे साथ आओ। अच्छा होता मैं घोंगे को दुश्मन के पीछे भेज देता, पता नहीं वो उसे सबक सिखा पाएंगे या नहीं। काफी पुरानी बात है, उन दिनों में बहुत ही शैतान लड़का हुआ करता था। हाँ, पानी मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। पानी में तैरता हुआ एक दिन मैं आ गया अपनी मंजिल यानी कैप टाउन में। मैंने देखा यहाँ का पानी बहुत साफ था, तो मुझे लगा ये शहर तो बहुत सुंदर है, इसलिए मैं यहीं रहूँगा। अपनी धाक भी तो जमानी थी। मुझे लगा जहाँ से ये पानी आता है उस जगह को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। तभी मैंने देखा कि वहाँ तो गिंको मैडम आ गई है। सारा कीची से मत टकराना, चुकता नहीं उसका निशाना। बाकी सबके अलावा गिलहरी के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। मैं भी ऐसी जगह की तलाश में कितना भटक चुकी हूँ जहाँ साफ पानी मिलता हो। ओ, आप समझी, पर उसके बाद क्या हुआ? सब्र करो, हम पानी के बहुत करीब आ चुके हैं, कहानी बाद में बताऊंगी। ये वही झील है जहाँ मैं पहली बार गिंको मैडम से मिला था। वो देखो वो रहा बदमाश। सुनो हिमान, तो ये सब क्या लगा रखा है? तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखते नहीं मैं अपने झंडे को रंग रहा हूँ, ये रहा मेरा झंडा। तुम्हारा झंडा? बिल्कुल, मैं इस जंगल का राजा हूँ, ये झंडा मेरी शान में लहरा रहा है। तुम भले ही अपनी तारीफ कर लो, पर इस पूरे शहर में नियॉन से ज्यादा महान कोई नहीं। तुम अपनी बकबक बंद करो। देखो इस झील का पानी सब इस्तेमाल करते हैं, तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। मैं जो चाहूँ वो करूँगा, इस जंगल का राजकुमार मैं हूँ, तो सारा पानी मेरा है। लगता है तुम अपने होश में नहीं हो, देखो तुमने पानी को कितना गंदा कर दिया है। मैं बिल्कुल होश में हूँ, इस साफ पानी से मैं अपने झंडे को धोऊंगा तो ये और चमक जाएगा, और वैसे भी ये मेरा पानी है तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। क्या कहा तुमने?
देखो मैंने ये रंग इस्तेमाल किए हैं, ये सारे रंग फूलों फलों और सब्जियों से बने हैं, इनमें कोई बुरी चीज नहीं है, इतनी सी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती। अपनी जबान को लगाम दो ही मानतो। बिल्कुल बेकार की बातें कर रहे हो तुम। हाँ। देखो मुझसे बहस मत करो, मेरे गुस्से के बारे में नियॉन से पूछ लो। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ, समझे? क्या यहाँ हो? ये है कौन? सबसे बहादुर नियॉन। हाँ? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? उम्र बचपन की और दिल बचपन का। खुद को नहीं देखते, कैसे हो तुम? शक्ल से नीले भूत लगते हो। क्या कहा तुमने? इस तरह दांत मत निकालो। और बेवकूफ, अब तुम नहीं बचोगे। देख लिया, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ये मेरी खास कॉस्ट्यूम है और इस पर आग का कोई असर नहीं होता। आपके दिमाग का कोई जवाब नहीं सर। हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन मुझे ये कपड़े पहनकर बहुत अजीब लग रहा है। अभी बताता हूँ, पकड़ो इसे। मुझे इस तरह हवा में मत घुमा। तुम ऐसा नहीं कर सकते ही मानते। पता नहीं तुम किस से बात कर रहे हो। ये लो। बस अब मैं इसकी हरकतें और सहन नहीं कर सकता। ये लो सारा खींचे का निशाना। मेरा आगे आ रहा। अभी दिखाता हूँ तुम्हें अपनी ताकत। हुआ मुझको प्यार। देखा मेरे मसल्स देखकर कैसे भाग गए। मुझे कोई नीचे उतारो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। न्यागो तुम ठीक तो हो? मेरे दिमाग में चोट लग गई, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए पिदोरी। नियन, नियन, नियन दा तैयार। कोई मुश्किल में चिल्लाता है वो दोस्त हो या दुश्मन, मैं उसकी मदद करता हूँ। आओ मेरा हाथ छूट रहा है। अब क्या करें, पानी में गिरा तो मुश्किल हो जाएगी। इस रंग से तो पूरे झरने का पानी खराब हो जाएगा। पर तुम लोग सारा बेचारे नियॉन सर की हालत के बारे में भी तो सोचो। मुझे पानी से डर लगता है, मुझे तैरना नहीं आता। सर कसकर पकड़ के रखिए। थोड़ा आराम से, कहीं हम ना गिर जाए। नियॉन जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। मेरा हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया है। हाँ बस थोड़ी कोशिश और। अब ये बिल्कुल ठीक है। लाख लाख शुक्र है। नियांदर ने तुम्हें फिर से बचा लिया। वो सचमुच बहुत अच्छा है। मैं तो इससे कभी मदद नहीं मांगता हूँ, फिर भी आकर ये मेरी मदद क्यों करता है? अच्छा अब तुम लोग दोनों वो कहानी पूरी करो। हाँ तो सुनो उसके आगे की कहानी। अगर सच कहूँ तो मैं गिंको से हार गया। तुम्हें इस जंगल से जाने की जरूरत नहीं है, ये पानी हम सब के लिए है, तो सभी को यहाँ खुशी से मिलकर रहना चाहिए। ठीक है मैडम। उस दिन मैंने ऐसे ही बस जज्बात में आकर इनको गिंको मैडम कह दिया था। बाद में ये झरने की देखभाल करने लगी और मैं इनका बॉडीगार्ड बनकर इनके साथ रहने लगा। कहानी खत्म हुई हो तो चले। क्यों नहीं मैडम, बाय कौन, अब हम चलते हैं। ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। आज मशहूर लोगों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है नियॉन। वाह ये तो कितनी अच्छी खबर है। उन्होंने आज ही मानतो की खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया और पानी को गंदा नहीं होने दिया। वैसे तीसरे नंबर पर आना कौन सी बड़ी बात है। नंबर दो पर है गिंको और सारा कीची। उनकी कहानी से शहर के काफी लोग उन्हें पसंद करने लगे और अब बारी है नंबर वन की। तो दोस्तों नंबर वन पर है नकापोश नियंडो। समझ में नहीं आता ये सबसे बाद में आकर नंबर वन कैसे बन जाता है। हमें अभी अभी खबर मिली है कि नियॉन बहुत सा पानी बर्बाद करते रहे हैं और दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि पानी कितना अनमोल होता है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए उनका नाम लिस्ट से काटा जाता है। क्या कह रहा है,
मुझे इतना दुख हुआ है कि अपने आप छींक आने लगी है। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ सर। ही मांतो ने सिर्फ अपने मतलब की बात सोची और सारे जंगल को परेशान किया। दूसरी तरफ नियोन ने अपना काम ईमानदारी से शुरू किया, पर वो नाकाम हुआ क्योंकि उसने अक्ल से काम नहीं लिया। वो जंगल की भलाई करना चाहता था पर बेवकूफ था, इसीलिए उसे अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हम। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।